नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें आप लोग ज़्यादातर जीमेल आईडी का इस्तेमाल करते ही होंगे, और दोस्तों देखने में आता है कि जीमेल जो है 15 GB तक क्लाउड डेटा आपको फ्री देता है, जिसका आप इस्तेमाल जीमेल मैसेज भेजने में, ड्राइव पर डेटा सेव करने में करते हैं। दोस्तों वैसे तो काफ़ी होता है 15 GB डेटा, अगर आप कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। अब दोस्तों होता ऐसा है कि काफ़ी सारे मेल्स आपके इनबॉक्स में भर जाते हैं, और उनके साथ जितना भी डेटा आप अटैच करके भेजते हैं वो सभी ड्राइव पर अपलोड होता चला जाता है, और उससे आपका जो 15 GB का डेटा है वो भर जाता है। अब दोस्तों कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को चाहिए जहां से आप डायरेक्ट उसको देखें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसको डिलीट कर सकें ताकि वो अच्छे से मैनेज हो सके। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आज आपको, यहां आपको लिखना है दोस्तों गूगल वन। आप जैसे ही लिखेंगे गूगल वन तो ये एक वेबसाइट जैसा बना दिया है गूगल ने, इसका नाम है one.google.com। आप यहाँ से एक्स्ट्रा डेटा भी, स्टोरेज भी परचेस कर सकते हैं अगर आपको जीमेल के लिए और भी चाहिए तो। ये देखिए दोस्तों हमारी जो प्राइमरी ईमेल आईडी है जीमेल में, आप देख सकते हैं 15 में से इतना डेटा यूज़ हो चुका है, अब ये ज़रा सा ही खाली है। आपको ये यहाँ बताता भी है कि कहाँ कहाँ यूज़ है, तो देखिए ड्राइव पर इतने GB डेटा है, जीमेल पर इतने GB डेटा है, और फोटोज़ में 0 है। ये नीचे जो मोबाइल होता है उसका बैकअप भी ये आपको दिखा रहा होता है। इस तरीके से दोस्तों ये फंक्शन होते हैं। यहाँ दे रखा है ये 15 GB का करंट प्लान है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अलग अलग डेटा आपको यहाँ मिलते हैं, आप इसको और भी खरीद सकते हैं क्लाउड डेटा को। अब दोस्तों हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो है मैनेज कैसे होना है। आप जैसे ही यहाँ होम पर आते हैं दोस्तों, होम पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरेज, ये 74% यूज़ है, मोबाइल बैकअप ये चल रहा है, और यहाँ से आप क्लीन अप स्पेस में चलेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू करना है, और देखने को आपको यहीं से मिलेगा दोस्तों ये जो बाइफरकेशन किया गया है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि थ्रैश में कितना डेटा डला हुआ है, ईमेल थ्रैश में कितना है, स्पैम ईमेल्स के कितने हैं इस तरीके से, और ईमेल जो है लार्ज अटैचमेंट्स के वो यहाँ पर 7 GB है। तो आप चाहें तो यहीं से रिव्यू कर सकते हैं, या आप जीमेल पर जाएंगे यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी आप वहीं पर आ जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अभी लार्ज अटैचमेंट्स को यहाँ पर जो है टैग किया गया है, और आप देख सकते हैं ये आपको डेटा दिख रहा है फाइल अटैचमेंट का इस तरीके से। मान लीजिए ये वीडियो है, इस वीडियो को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ऐसे ही करके हम आगे चलते हैं और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये आप देखिए दोस्तों कितना हैवी डेटा, आप देख सकते हैं 51 MB का डेटा यहाँ पर अटैच आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो मान लीजिए हमने ये चीज़ें हैं जो ये देखिए, ये मैंने आपको कुछ इस वीडियो में दिखाने के लिए सिलेक्ट कर ली हैं। ये जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने MB, कितने आइटम्स हमने सेलेक्ट किए हैं। अब डायरेक्टली आप जो है यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको परमानेंटली डिलीट करेंगे दोस्तों, तो आपका जो है स्पेस यहीं से फ्री हो जाएगा, और आपको सारे अटैचमेंट जो है फाइल्स यहीं से दिख जाएंगी। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो है दोस्तों आपके लिए बनाई गई है जीमेल द्वारा, गूगल द्वारा, oneplus1.google.com का आप इस्तेमाल करके ये सब कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और अच्छा ऑप्शन जोड़ा गया है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आप जब होम के ऑप्शन पर आए थे, यहाँ पर एक लिखा हुआ है डार्क वेब रिपोर्ट। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा अभी नया अपग्रेड आया है, इसमें ये स्कैन करेगा और आपकी जीमेल आईडी को देखेगा कि क्या कभी डार्क वेब पर ये जो डेटा है ये कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या आपका जीमेल एड्रेस डार्क वेब के ऊपर है या नहीं, ये आपको यहाँ से दिखाएगा। आपको रन करना है ये स्कैन, देखिए हमने रन कर दिया है और यहाँ से ये रन होना शुरू हो गया है, स्कैनिंग द डार्क वेब, और कुछ सेकंड्स लेगा, इसके बाद ये यहाँ पर जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दो रिज़ल्ट आ गए हैं दोस्तों ईमेल के, और रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं ये दो ऐसी वेबसाइट हैं जो कि गेट डिटेल्स अबाउट द डेटा ब्रीचेस दैट लीक्ड योर इन्फॉर्मेशन ऑन द डार्क वेब। डार्क वेब के ऊपर ये जो दो वेबसाइट आप देख रहे हैं इनका इस्तेमाल किया गया होगा। हमने कभी जो है दोस्तों इनका इस्तेमाल करके लॉगिन किया होगा ईमेल आईडी के थ्रू इन दोनों वेबसाइट पर, तो इनका ये कहना है कि ये दोनों जो है आपके डेटा को डार्क वेब पर लेकर जा सकती हैं और लेकर गई हैं। तो ये देखिए ईमेल एड्रेस आ गया है, ये जगह आ गई है, तारीख भी आ गई है,
किस दिन ये पाया गया था, 21 मार्च 2023 को। तो दोस्तों ये इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बता देता है कि आपको करना क्या है, और डिटेल आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो अभी अभी जोड़ा गया है रिसेंटली, जिसमें ये डार्क वेब के बारे में बता दिया जाता है कि डार्क वेब क्या है और कितने ही आपकी चीज़ें जो है यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। आप उनको जाके जो है पर्टिकुलरली वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद आप अपने जीमेल आईडी को और भी ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वेबसाइट गूगल का ये नया ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।